राजकुंद्रा ने ही दिया अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को बड़ा धोखा। जी हाँ, जहाँ पर सभी लोगों का कहना था कि राजकुंद्रा अपनी पत्नी शिल्पा के साथ वीडियोस बनाते थे और उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ शायद शादी भी इसीलिए की थी ताकि वो शिल्पा शेट्टी के नाम से कोई भी गलत काम कर सके, ताकि किसी को शक भी ना हो और शिल्पा शेट्टी के नाम से उनका कारोबार भी अच्छे से चल जाए और वो लाइमलाइट में आ जाए। इसीलिए यहाँ पर शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने शादी की ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में ये बात साबित तब हो जाती है जब शर्लिन चोपड़ा खुलासा इस बात का करती है कि जब शर्लिन चोपड़ा वीडियोस बनाती थी, अश्लील वीडियोस, तो इन वीडियोस में वो अनकंफर्टेबल फील करती थी और उसे लगता था कि वो जो कर रही है वो गलत है। लेकिन ऐसे में शर्लिन चोपड़ा इन वीडियोस को छोड़कर ना जाए, इसीलिए राजकुंद्रा ने खुद शर्लिन चोपड़ा से कहा था कि शिल्पा शेट्टी भी शर्लिन चोपड़ा की इन वीडियोस को देखती है और उन्हें शर्लिन चोपड़ा के वीडियोस काफी पसंद आते हैं। वो तारीफ करती है शर्लिन चोपड़ा की कि शर्लिन चोपड़ा काफी अच्छा काम कर रही है और ये काम तो चलता ही है। बता दें कि शर्लिन चोपड़ा को इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करता था राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी के नाम से, जहाँ पर शिल्पा शेट्टी ने काफी अच्छा नाम और पहचान कमाई है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और अगर कोई ये कहे कि शिल्पा शेट्टी को उनका काम काफी पसंद आ रहा है तो हर किसी को यही लगेगा कि शिल्पा शेट्टी वाकई यहाँ पर उनके बारे में सोच रही है और साथ ही शिल्पा शेट्टी को यहाँ पर अगर इस तरीके से वो बोल रही है तो उसका काम जरूर अच्छा होगा। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी के नाम का इस्तेमाल करके राजकुंद्रा लड़कियों से काम करवाता था और शिल्पा शेट्टी के नाम से ही लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाता था। शिल्पा शेट्टी के पति होने पर ही राजकुंद्रा के साथ लोग काम करने पर तैयार होते थे। अगर राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी का पति नहीं होता तो लोग शायद राजकुंद्रा को ना ही जानते और ना ही राजकुंद्रा के साथ काम करते। नेक्स्ट टाइम लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।